हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आकांक्षा और आज के वीडियो में एक 100% नेचुरल शैम्पू का रिव्यू करने वाली हूँ जिसमें कोई भी केमिकल यूज़ नहीं किया गया है। जब भी मैं किसी शैम्पू का रिव्यू करती हूँ या हेयर केयर प्रोडक्ट का रिव्यू करती हूँ तो हमेशा पूछा जाता है इसमें कोई केमिकल तो नहीं है। सभी की पहली पसंद होती है कि जो भी हम प्रोडक्ट यूज़ करें उसमें केमिकल ना हो। तो आज के वीडियो में जिस शैम्पू का रिव्यू करने वाली हूँ वो है ये 100% नेचुरल नेचर श्योर का जोंक शैम्पू। तो इसके बारे में बात करने वाली हूँ और कुछ दिनों से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। इनका मैंने जोंक ऑयल भी यूज़ किया, उसका रिव्यू कर चुकी हूँ, आप देख सकते हो, आई बटन पर मिल जाएगा। तो फिलहाल मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, उसके कैसे रिजल्ट्स मिले, क्या क्या बेनिफिट्स हैं और मुझे ये पसंद आया या नहीं, ये सारी बातें आज के वीडियो में करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। मार्केट में जो ज़्यादातर शैम्पू होते हैं उनमें नेचुरल चीज़ें तो यूज़ की जाती हैं पर उनसे डबल क्वान्टिटी में केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं, जिससे आपको जब आप यूज़ करते हो तब तो अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे पर लंबे टाइम तक अगर आप उनको यूज़ करते हो तो हेयर फॉल होने लगेगा, बालों की ग्रोथ रुक जाएगी, डैंड्रफ वगैरह की प्रॉब्लम होने लगती है क्योंकि उसमें नेचुरल चीज़ों से ज़्यादा केमिकल्स डले होते हैं। पर इसमें बिल्कुल भी केमिकल्स नहीं यूज़ किए गए हैं, जैसे कि इनका नाम है नेचर श्योर तो 100% नेचुरल चीज़ें हैं। तो इसकी पैकेजिंग की बात करूँ तो ये 300 ml का ये पैक है, पम्प बॉटल है, पम्प बॉटल में जो प्रोडक्ट है वो वेस्ट नहीं होता है और बहुत आसानी से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। 300 ml का ये पैक है। प्राइस की बात करूँ तो 390 rupees इसका प्राइस है। ये जो शैम्पू है ये एंटी डैंड्रफ है, एंटी हेयर फॉल है और शाइन को रिस्टोर करने का ये काम करता है। ये जो शैम्पू है इसमें आयुर्वेदिक प्रॉपर्टीज़ हैं, आयुर्वेदिक मेडिसिन की प्रॉपर्टीज़ हैं, साथ ही साथ ये सल्फेट फ्री है और पैराबेन फ्री भी है। तो आप सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की बात कर लेते हैं, वो है इंग्रीडियंट्स। तो इसमें यूज़ किया गया है एलोवेरा। अब एलोवेरा तो कोई नई बात है ही नहीं कि एलोवेरा कितना अच्छा होता है हेयर के लिए, स्किन के लिए। घर में प्लांट लगा के रखते हैं जैसे कि यूज़ कर सके। एलोवेरा जो होता है वो मॉइस्चर को लॉक करके रखता है, बालों की ग्रोथ के लिए अच्छा होता है, बालों को हेल्दी बनाता है। फिर इसमें यूज़ किया गया है आंवला। आंवला भी हेयर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है, ग्रे हेयर की प्रॉब्लम को दूर करता है। इसके साथ इसमें यूज़ किया गया है बहेड़ा, शिकाकाई, अरीठा, हरड़। ये जो सारी चीज़ें हैं वो बालों को लंबा घना मजबूत तो बनाती हैं, साथ ही साथ इसमें क्लेंजिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इसलिए जो भी हर्बल शैम्पू होते हैं, आयुर्वेदिक शैम्पू होते हैं, उनमें ये चीज़ें यूज़ की जाती हैं क्योंकि ये स्कैल्प को बहुत अच्छे से क्लीन करते हैं। इसके साथ इसमें मेथी है, तो मेथी भी बालों की ग्रोथ के लिए, बालों को लंबा करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। नीम है, नीम में एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जिससे कि जो भी फंगल इन्फेक्शन है उनसे ये प्रोटेक्ट करेगा। डैंड्रफ हो गई है उससे भी ये शैम्पू प्रोटेक्ट करता है। तो जब भी हम घर पर शैम्पू बनाते हैं, DIY करते हैं तो यही सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, तो वही सारी चीज़ें इस शैम्पू में भी हैं। और इसको यूज़ कैसे करना है, तो जैसे कि हम नॉर्मल शैम्पू यूज़ करते हैं वैसे ही आप इसको अपने बालों की सफिशिएंट क्वांटिटी के अकॉर्डिंग ले लीजिए। डाइल्यूट करना पसंद करते हैं तो डाइल्यूट कीजिए, मैं तो डाइल्यूट करके यूज़ करती हूँ। और फिर आप अपने बालों में इसको अच्छे से मसाज करते हुए लगाइए, 2 से 3 मिनट तक अच्छे से मसाज करिए और बालों को वॉश कर लीजिए। ये जो शैम्पू है इसमें नेचुरल ऑयल इन्फ्यूज़ किए गए हैं, जिससे कि ये बालों को हेल्दी बनाता है, बालों की रूट्स को स्ट्रॉन्ग बनाएगा, स्कैल्प को अच्छे से क्लीन करेगा, डैंड्रफ की प्रॉब्लम को दूर करेगा, साथ ही साथ रूट्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है और हेल्दी बनाता है। तो 10 से 15 दिन हो गए मैं इस शैम्पू को यूज़ कर रही हूँ। मैं नाइट में पहले जो इनका जोंक ऑयल है उसको लगा के रखती हूँ, ओवरनाइट लगा के रखती हूँ और मॉर्निंग में इसे वॉश कर लेती हूँ। मेरे बाल काफ़ी ड्राई रहते हैं तो इससे ड्राइनेस काफ़ी कम हुई, डैंड्रफ की प्रॉब्लम ज़्यादातर रहती है वो भी काफ़ी कंट्रोल हुई और बालों को शाइनी बनाएगा। अच्छे रिजल्ट के लिए आप इसको वीक में 2 बार ज़रूर यूज़ करें और इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छी चीज़ों से बनाया गया है, तो बिल्कुल आप इसको एक बार ट्राई करके देखो, काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आप भी कोई ऐसा शैम्पू देख रहे हो जिसमें कोई भी केमिकल्स यूज़ नहीं किए गए हैं तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, बिल्कुल एक बार यूज़ करके ज़रूर देखना। और परचेज़ करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। आई होप आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो क्या करना है, जल्दी से लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिए। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।